तो भाई जब भी हम अपना सेविंग अकाउंट किसी बैंक में ओपन करवाते हैं तो सेविंग अकाउंट में हम सिंपली अपने फंड को क्रेडिट करते हैं, आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, या फिर बाय चांस इन फ्यूचर हमारे अगर जरूरत हो लोन की तो लोन के लिए हम अप्लाई करके बैंक से पेमेंट है वो रिसीव करते हैं। लेकिन गाइस ये सर्विस ओनली फॉर सैलराइड पर्सन को मिलती है जिनके पास में ऑलरेडी कोई बिजनेस है, इनकम प्रूफ होना चाहिए। अगर बैंक को आप इनकम प्रूफ देंगे तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा, और आपके पास में अगर इनकम प्रूफ नहीं है तो आप किसी भी बैंक में चले जाइए, आपको किसी भी टाइप का कोई भी पर्सनल लोन है वो नहीं दिया जाएगा। हालांकि सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन तो आपको आसानी से मिल जाते हैं, बट पर्सनल लोन एक ऐसी सर्विस है जो इनकम प्रूफ जिसके पास में है उसको ही दी जाती है। तो गाइस हमारे पास में एक तरीका होता है कि हम अपना सेविंग अकाउंट किसी बेहतर बैंक में ओपन करके ट्रांजैक्शन करें, और ट्रांजैक्शन के माध्यम से हमारे सेविंग अकाउंट में प्री अप्रूव्ड ऑफर मिले और उस लोन को हम रिसीव कर सके। हमारे पास में एयू बैंक का सेविंग अकाउंट है जिसमें ओनली फॉर 28 रुपीज अवेलेबल थे, तो इस अकाउंट में हमें क्रेडिट कार्ड भी मिल गया, 1,75,000 रुपीज की लिमिट है। एंड क्रेडिट कार्ड रिसीव होने के बाद में जैसे ही हमारा क्रेडिट कार्ड डिलीवर हुआ, क्रेडिट कार्ड का अनपैकिंग हमने पहले से कर लिया है तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड का अनपैकिंग किया उसके बाद में जैसे ही नेट बैंकिंग को लॉगिन करके देखा तो 2,00,000 रुपए का पर्सनल लोन का ऑफर भी अवेलेबल था। इसके अलावा 80,000 रुपीज का टू व्हीलर लोन भी अवेलेबल था। जो हमें 2,00,000 रुपए का पर्सनल लोन दिया जा रहा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 17% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो थोड़ी ज्यादा है, बट गाइस उस पर्सन के लिए ऑफर बहुत मायने रखता है जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है और एक विशेष इनकम प्रूफ नहीं है जो अपनी इनकम को यहाँ पर साबित कर सके और पर्सनल लोन को ले सके, तो उनके लिए प्री अप्रूव्ड ऑफर भी मायने रखते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप लोन को रिसीव करें ही, अगर आपको नीड होती है अपनी लाइफ में कुछ भी, आपको कोई बड़ा वर्क होता है पेमेंट से रिलेटेड और आप कैपेबल है ईएमआई इंस्टॉलमेंट को पेड करने के लिए, तो ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि आप अपनी जो भी इंस्टॉलमेंट है ईएमआई है उसको सक्सेसफुली पेड करते जाए, आपको इन फ्यूचर कभी भी लोन या फिर सिबिल स्कोर ईएमआई बाउंस से रिलेटेड ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको लोन लेना ही है, बट गाइस आपके पास में एक अगर प्री अप्रूव्ड ऑफर रहता है और इमरजेंसी में आपको किसी भी टाइप की नीड होती है तो आप उस लोन को अप्लाई करके इजीली पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो गाइस अब आपको मैं प्रूफ बता देता हूं, तो वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने एयू बैंक की नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करते ही हमारे सामने एयू बैंक का होम इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस में हमारे ओनली फोर 28 रुपीज है। उसके बाद में जैसे ही ऑफर वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मैं प्री अप्रूव्ड ऑफर पर विजिट करता हूं। जैसे ही प्री अप्रूव्ड पर हमने विजिट किया आप देख सकते हैं क्लियरली 2,00,000 रुपए का हमें यहाँ पर प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है, जो हमें लोन दिया जा रहा है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 17% है, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज्यादा है नॉर्मली जो हमें लोन प्रोवाइड होते हैं, बट गाइस ऑफर मिला है आप देख सकते हैं। एंड 80,000 रुपीज का हमें यहाँ पर टू व्हीलर लोन का ऑफर भी मिला हुआ है एयू बैंक की तरफ से। तो गाइस अभी के टाइम में एयू बैंक में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अगर आपको पर्सनल लोन की नीड है, क्रेडिट कार्ड अगर आपको लेना है विदाउट किसी इनकम प्रूफ के, तो आप अपना सेविंग अकाउंट है वो एयू बैंक में ओपन कर सकते हैं। गाइस जो भी मैंने आपको ऑफर बताए हैं वो एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की नीड नहीं होती है, ओनली फॉर आपको अपने ट्रांजेक्शन पर सिबिल बेस पर ऑफर दिए जाते हैं। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करता हूं एयू बैंक में डिजिटली एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, ओनली फॉर आपको आधार और पैन की नीड होती है। डेमो वीडियो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड कर लिया है, आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एंड अकाउंट को ओपन करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप अपने सिंपली उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, मेंटेन करें। आपको 100% श्योर है कि क्रेडिट कार्ड एंड ऑफर आपको 100% मिलेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और गाइस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।